सारा दुनिया की दुनिया सभी नौजवान साथी माता बहन बड़े बूढ़े छोटे बच्चे केवल 15 मिनट का टाइम घर में चले जाओ। भाई ये मत समझना कि हम बीर बजाएंगे सांप दिखाएंगे तो किसी से कोई आटा अनाज पैसा मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और ना ही ये समझना कि सबको हमारे गांव में मनीरा देख रहे आए, ऐसा भी कुछ नहीं। हमारा लगाएगा प्रचार सांप काटे की दवा रखाने का। जैसे सांप आदमी को अक्सर काट लेता है, टाइम वक्त पे दवा रोटी नहीं मिलती और आदमी मर जाता है। आज आप लोगों को सांप के विषय में थोड़ी जानकारी दी जाएगी, ये भी बताया जाएगा कि कौन से सांप में जहर ऊपर कौन से सांप में जहर नहीं पाया जाता है। और आज आप लोगों को जंगल में घने घास भी दिखाई जाएगी जिसके द्वारा सांप काटे आदमी को ठीक किया जाता है। केवल 15 मिनट का टाइम करके सभी नौजवान साथी माता बहन बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सब चले आओ, सिर्फ 15 मिनट का प्रचार होगा। बड़े बड़े अच्छे सांपों के विषय में आज आ जाओ, तुम्हारी वीडियो बना दूं। बनेगी सबकी बनेगी। आज आप लोगों को सांपों के विषय में जानकारी बताई जाएगी। सांप काटे की दवा मुफ्त फ्री में बताया जाएगा। केवल 15 मिनट का प्रचार साथी माता बहन बड़े छोटे बच्चे सब चलाओ, सिर्फ 15 मिनट का काम है हमारा। आप लोगों को गांव में रहना ही रहना, हम लोगों को गांव से जाना ही जाना है। केवल 15 मिनट का प्रचार सुनिए, बहुत अच्छी बात आज आप लोगों को बताई जाएगी सांपों के विषय में। ये प्रचार सेवा आप लोगों को गांव में जिला मेरठ तहसील मोरना थाना बसंदा से लगी है। प्रजना हस्तनापुर वो हस्तनापुर जहाँ से महाभारत शुरू हुआ था। आज आप लोगों को बहुत अच्छे सांप भी दिखाया जाएगा, सांपों का खेल भी दिखाया जाएगा, सांपों का तमाशा भी दिखाया जाएगा। सभी नौजवान साथी माता बहन गुरु गुरु छोटे बच्चे सब चले जाता। अगर आदमी को काट ले तो आदमी खत्म, हाथी को काट ले तो हाथी खत्म। इस सांप के काटने से कोई नहीं बचता क्योंकि सांप के अंदर सबसे ज्यादा जहर पाया जाता है। मगर सांप देखने से पहले आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के एक विनती है। विनती क्या है भाई? विनती ये है कि आप लोग हमारे चलते हुए प्रचार में एक तो हमें परेशान मत करना, दूसरी बात सांप देख के अपने घर से कोई भाई आटा अनाज पैसा भीख मत लेना। ये तो विशेष विनती हमारी आज जोड़ पाँच। सबसे पहले आप लोग हमारा पता जान लीजिए कि हम लोग आए कहाँ से। हमारा जिला लगता है मेरठ। मेरठ जिला कोई ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से अपना बुलंदशहर पार करो, महापुर पार करो, मेरठ ही आ जाता है। हमारा गाँव लगता है सैपुर फिरोजपुर विकासखंड हस्तनापुर में, वो हस्तनापुर जहाँ से कभी महाभारत शुरू हुआ था। वहां से हम लोग जो आप लोगों के यहाँ पे आए हैं सिर्फ एक सांप काटे के विषय में थोड़ी जानकारी देने के लिए आए। सांप आदमी को दो जगह काटता है, या तो सांप काटता है आदमी के पैर में या सांप काटता है आदमी के हाथ में।
ज्यादातर चांस जो आप लोगों को मिलेंगे वो पैर का और हाथ का ही मिलेंगे। सांप सबसे ज्यादा दो मौसम में आदमी को काटता है, या तो सांप काटता है आदमी को गर्मी के मौसम में, या सांप काटता है आदमी को बरसात के मौसम में। सर्दी सर्दी सांप ना तो देखने के लिए नहीं आदमी को काटता। दूसरी बात, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के क्षेत्र में सांप होते या नहीं होते? मैं कोई आवारा आदमी नहीं हूँ, मेरा घर है, मकान है, छोटी मोटी दुकान, जंगल की देसी जड़ी बूटियों का काम है। भारत सरकार से परमिशन है सांप रखने की, क्योंकि सांपों के ऊपर पाबंदी लगाए रखी सरकार ने, कोई सपेरा सांप नहीं रख सकता। जल्दी से सपेरा वही सांप रखेगा जिसके पास परमिशन है, लाइसेंस है सांप के। तो मेरे पास भी है, और आपके यहाँ दिल्ली से ही बनवाया हुआ है प्रकाश जावड़ेकर जी से। सब सपेरे एक जगह इकट्ठे हो, इकट्ठा होने के बाद में ये चार सांपों का लाइसेंस है गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट। किंग कोबरा ब्लैक, कोबरा ब्लैक, कोबरा ब्लैक और कोबरा ब्लैक, चार सांपों का लाइसेंस है मेरे पास रखने का, सांप काटे का इलाज करने का। और यो हमारे पास हमारी दुकान का डॉक्टरी सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन, 47,000 जड़ी बूटियों पर रिसर्च है। ठीक है, इस अखबार को भी लो, इसमें लिखा है कि सपेरे द्वारा जिंदा किए गए युवक को देखने का बनारा कोतूहल, हर कोई प्रताप को देखने छूने को तो तावला, माँ सुरजा देवी बेटे से लिपट के रोने लगी। यो अखबार हमारे घर में नहीं बनता है, इसे छापते हैं न्यूज वाले जो पेपर में काम करते हैं। ठीक, इधर ध्यान लगाना मेरी बात पे, सांप आदमी को काट ले, सांप का जो जहर होता है ना जहर, वो सबसे पहले हमारे पेट में जाता है, पेट को कर देता है गुम, उसके बाद सांप का जहर दिल पे आता है, दिल की धड़कन घटने बढ़ने लग जाती है। सांप का जहर सांस की नली में आता है, सांस आना बंद, आंखों पे जाता दिखना बंद, वो आदमी चक्कर खाए के जमीन पे बेहोश गिर जाता है। थोड़ी बहुत देर में उस आदमी के मुंह से खून या झागा जाएंगे, नाक से खून आ जाएगा, कान से खून आ जाएगा, उस आदमी का दिल और दिमाग फट जाएगा, वो आदमी मर जाएगा सांप काटे से। दवा है क्या? दवा सुन दो, ये मेरे गले में बाबा गुरु गोरखनाथ की नाथ जनेऊ है, ऊपर भगवान नीचे ये धरती है, मैं अपने गुरु की जनेऊ पकड़ के कसम खा रहा हूँ, जो बात बताऊँ सच को झूठ को ठग विद्या नहीं मेरे पास, मगर गुरु का तो सब पता, जो गुरुमुखी आदमी होता है। मेरे गुरु का कहना कि बेटा मन चंगा खटोती में गंगा, मन चंगा नहीं तो गंगा में दंगा, एक मन धावा सूखा लक्कड़ व फल पावा, दो मन धावा डूबे ना था पावा, एक मन से भगवान मिलता दो मन से पत्थर भी नहीं मिलता। दवा क्या है सांप की? बहुत छोटी सी दवा है, ना करे भगवान जंगल में घर में बार में किसी को सांप काट ले। मेरी भाषा समझ रहे हो आप लोग? पर थोड़ी सी चेंज है भाषा, आप लोगों के तरफ बुलंदशहर पार होएगा, हमारा उधर पार होएगा। ठीक, सांप किसी को काट ले, छोटी सी दवा है सांप की, सबसे मेन और पैटर्न दवा पहचान करो, यो 1,000 सांप भी अगर आदमी को काट ले, इस दवा का प्रयोग किया जाए तो सांप काटे से आदमी नहीं मरेगा। और यो बहुत खड़ी सांप, अब यो इतनी खड़ी का टरको से भर लो, खड़ी नहीं खड़ी। और यो हर मौसम में पाई जाती है, हर मौसम में, मगर अब से 15-20 साल पहले यो घास नहीं थी। और जो कोई भाई उड़द बो देना अपने खेत में तो उड़द कम दिखे, यो घास ज्यादा दिखे। इसका तरीका विधि क्या है? इसे हमारे क्षेत्र में कड़वी बिंडाल बोलते हैं। भाई आप लोगों के क्षेत्र का मैं पता नहीं क्या कहना है, मगर हमारे क्षेत्र में बोलने से कड़वी बिंडाल। तरीका सुन लो, इस घास का वजन होना चाहिए 500 ग्राम, जड़ भी होनी चाहिए, मतलब पूरा पेड़ होना चाहिए। इसका रेत मट्टी नलके पर धो लो, धोने के बाद इसे छोटा छोटा काट के इमाम जैसे में पीस के चटनी बना लो। अब तो घर घर में मिक्सी हो रही, फैंसी जमाने हो रही, अब सिलबाट पे या इमाम जस्ता कौन अपने घर में रख रहा है। ठीक, इसे किसी भी प्रकार से पीस के चटनी बनाओ, 200 ग्राम इसके साथ में मिलाओ नीम का पत्ता, 200 ग्राम मिलाओ कंपला तम्बाकू, जो हुक्के में आप लोग पीते हो ये सीरे वाला होता है, मगर आपको सूखा तम्बाकू लेना पत्ते वाला, चीज हो गई तीन। चौथे नंबर पे आप लोगों को क्या लेना है? रीठा। रीठा जानते हो आप लोग? जिससे पहले के बड़े बूढ़े अपने कपड़े और हमारी माँ बहन सर के बाल धोती थी, वो रीठा ले लो। रीठा होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम, मगर ये घास होना चाहिए 500 ग्राम, नीम का पत्ता और तमाकू होना चाहिए 200 ग्राम। चारों पांचों चीजों को एक जगह पीस के चटनी बना लियो, 2-3 लीटर गर्म करके पानी मिला दियो,
शरबत की तरह खूब अच्छी तरीके से मिक्स करियो और एक कपड़े में कपड़े छन कर लियो। कबाड़ कबाड़ रहोगा कपड़े पे, पानी पानी छन जाओगे। कबाड़ को पकड़ के पूरी ताकत से निचोड़ लियो। एक बार भगवान का नाम ले लियो, मारने वाला भगवान और बचाने वाला भगवान। भगवान चाहे ना तो इस मट्टी से आदमी को ठीक कर दे, और नहीं चाहे ना तो तुम्हारे दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल फैल हो जाते हैं, समझ रहे हो। ओम नमः शिवाय का जाप पढ़ के पहला गिलास पानी मरीज को पिला दियो, पहला गिलास पानी पीते ही जहर पे कंट्रोल कर देगा। दूसरा गिलास पिलाओ, सारा जहर खत्म। तीसरा गिलास पिलाओगे, आदमी यो कहोगा मैंने मुझे दवा कड़वी लग रही, तुम उसे जबरदस्ती पिला दियो। वो दवा तो पी जाओगा मगर दवा बर्दाश्त नहीं होगी, कड़वापन उसके पेट में नहीं रुकेगा, उसे फौरन उल्टी आओगी। और जब उल्टी आओगी तो पेट से, दिल से, सांस की नली से दवा भी जहर भी और जो उसने खाना खा रखा नहीं वो भी सब पलटी करा बाहर होने लग जाओगा। पलटी आती रहेगा, कुछ मत दियो। पलटी लगना बंद हो जाए एक दो गिलास दवा उसे और पिला दियो। दवा पीते ही फिर पलटी लगेगी, रहा बचा जहर भी सब पलटी करा बाहर हो जाओगा। पलटी लगती रहे कुछ मत दो, पलटी लगना बंद हो जाए एक गिलास दवा और पिलाओ। जैसी दवा तुमने पिलाई अगर ऐसी दवा पलटी करा बाहर हो रही है तो समझ लेना मरीज हमारा ठीक होगा, अब कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, पलटी लगना जब बंद हो जाए 10-20 ग्राम लेना घी, 2-4 लेना काली मिर्च और पीस के घी में मिला के उस आदमी को पिलाए जो, किस लिए जब आदमी को पलटी होती है ना तो आंतों का खिंचाव हो जाता है। ठीक, घी में काली मिर्च मिलाने से जो आते हैं उनके अंदर ना तो इन्फेक्शन बनेगा और खिंचाव जो है वो भी ठीक हो जाएगा। यो सांप की दवा है, अच्छी लगे दिमाग में टैप करियो, गलत लगे मर्जी थारी भूल जाइयो, जबरदस्ती मारी किसी पे नहीं। अब देख लो सांप, अब दिखाऊंगा मैं तुम्हें सांप। मगर एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ बिच्छू होते हैं? बिच्छू बहुत होंगे, ठीक, बिच्छू तारने वाले भी आते होंगे गाँव में, ये दवाई दे के जाना कोई लगाने की झाड़ने वाले। अगर बिच्छू किसी को काट लेना, बिच्छू नहीं, इसका जोड़ा होता है बिच्छू और बिशियारी का। अगर बिच्छू किसी को काट ले, ठीक, ना तो अपने घर से कहीं जाओ ना किसी को बुलाओ। ये पर्चा मेरा संभाल के रखिए, इस पर्चे में सब उसके नीचे लिखा मेरा घर का था पता और उसके नीचे लिखे तीन तीन मोबाइल नंबर। सबसे पहला नंबर है मेरा और दूसरा नंबर है हमारे उन वाले महाराज जी का जो लास्ट में नंबर है वो जो आगे बैठे उनका। बिच्छू काट ले मुझे फोन करियो, फोन और फोन करके ये बता दियो जी बिच्छू ने काट लिया। उस आदमी की चप्पल निकलवाइयो, सूर्य की तरफ मुंह करके बैठाइयो और फोन उसके कान पे लगाइयो, घड़ी में देखियो 1 मिनट। अगर 1 मिनट में बिच्छू काटा आदमी रोता है हंसने लग जाए तो अपनी इच्छा से जो भी आपकी श्रद्धा हो मंदिर में प्रसाद लगा, मैं फोन पे बिच्छू उतार दूं। लोग तो घर पे आए के तारे, मैं फोन पे उतार दूं और बड़े बड़े दूर के उतार दूं। और जिसे बिच्छू ना चढ़े वो भी फोन कर लिए एक बार, उसका बिच्छू चढ़ाई भी दूंगा, उतार भी देता हूँ और चढ़ाई भी देता हूँ। अभी मनियों की तरह नहीं हूँ जो चक्कर में मैं घुसना जाने निकलना नहीं जाने, मैं चढ़ाना उतारना दोनों जानू फोन पे बिच्छू। ठीक, मिल लियो, कभी ना करे भगवान बिच्छू किसी को काट ले। हमारे गुरु कहे के बेटे सांप का काटा सोवे और बिच्छू का काटा रोवे। अगर सपेरे कह दो ये जंगल की जड़ी ना होवे तो सपेरा भी अपनी जिंदगी जान खोवे, सपेरा कोई भगवान नहीं है, आप जैसा इंसान है। ठीक, और यो मत सोचियो कि सपेरे बस खाली अपना बीन बजाने पे ही रहना या और किसी चीज पे रहना, सपेरे भी बहुत सुधर गए। तुम्हारे क्षेत्र में भी ना कोई SP है, कोई SHO है, कोई वकील है, सपेरा बड़े बड़े हुद्दे पर पहुंच रहे सपेरे भी। ठीक, इधर ध्यान लगाना मेरी बात पे, इस बच्चे को महाराज समय बांट दियो 20 मिनट के बाद, मगर बच्चों को मत दियो। कील के दिखाऊं नागिन, ला भाई नागिन बाहर हो जा। मगर एक बात बताओ, ये जो दवा मैंने तुम्हें बताई इसमें थारा फायदा या नुकसान? सपेरा मैं तुम्हारे गांव में आज पहली बार आया है, मेरे से पहले और भी आए आते रह रहे, मगर जो दवा मैंने बताई आज से पहले किसी सपेरे ने बताई? सच बताई इस तरीके से नहीं बताऊ मैं। ठीक, क्योंकि ये पैटर्न दवा है सपेरे की, मैंने अपना गुरु की कसम खाई है, माँ तीरथ पिता धाम गुरु का दर्जा भगवान समान। हाँ जी, भैंस खावे इसे तो बकरी भी खावे, मगर आदमी अपने खेत में से पाड़ के फेंक दे जब पता ही नहीं। ठीक, और यो तो कुछ नहीं, 5 दवा और ले लो फ्री, कोई पैसा नहीं, ठीक हो जाओ बाद में नाम दिए। मगर किसके लिए है? जिसके मन में है राम, विश्वास है उस आदमी के लिए। जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा है
विश्वास नहीं करें इन लकड़ियों पे, तो उसके लिए सरकार ने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के मेडिकल कोर्स करवाए के ना बड़े बड़े अस्पताल खुलवाए रखे, अपोलो हॉस्पिटल, सफदरजन हॉस्पिटल, जीवन अस्पताल, इधर चले जाओ चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल, देहरादून चले जाओ जोली ग्रांड हॉस्पिटल, हमारा मेरे तो मुझे बड़े बड़े हॉस्पिटल वहाँ चले जाओ। ठीक, मेरे पास है दवा विश्वास की, बहनी आदमी का कोई इलाज नहीं, यो दवा है मेरे पे, यो मैंने कूट के और पीस के रख रखी। जिस आदमी को 50 साल से है ना मिर्गी, मिर्गी समझते हो, दौड़ा, दौड़े होते हैं 14 प्रकार के, दिल का, दिमाग का, स्टेरे का, हवाई का, फिड़किया का, सीबीआई का, नाजे नजर हवा पोन का। अगर किसी को दौरा है 50 साल से, दौरा पड़ना ठीक नहीं होया, बहुत इलाज करवाए लिया, आज मेरे से मिलवाइयो उस आदमी को। जंगल की दवा कुटी कुटाई पीसी पिसाई देकर जाऊंगा अपनी इस बैग में से, एक पैसा नहीं लूंगा। एक महीना दवा खुलाओ, एक महीना दवा खुलाने के बाद साल देखो, 2 साल देखो, उस आदमी को अगर दौरा ना पड़े साल 2 साल भी, बताओ बाद में ना चोरी कर ली एक आदमी ने थारे क्षेत्र में खाई ली बस। अब यो बीन एक सपेरे सा मोल ली, इसका यो तेरी है नहीं, यो बेकार है, पाता फिट नहीं बैठ रहा इसमें। अब उसने चोरी कर ली, हमारी कोई जिंदगी चुराई ली। आदमी से आदमी नहीं देखे, भगवान तो सबको देखे, वो बजा ही नहीं सके। अब यो बीन हम तुम्हें दे जाओ, तुम बजाए लोगे, जब तुम्हें बजाने नहीं आओ तो कैसे बजाए लोगे, घर में सजाए के रखोगे। ठीक, अब यो एक आदमी से कल बीन ली, ठीक, अब इसमें पत्ता सही नहीं बैठ रहा, अब कभी मेरठ पहुंचेंगे जब इसमें पत्ता लगेगा। ठीक, इधर ध्यान लगाओ, इस बीन पे इनाम कौन सा भाई, ऐसे सपेरे बहुत आए, जवान जवान भी आए, बुढ़े बुढ़े भी आए, मगर एक बात बताओ, तुमने किसी सपेरे की आंख पर चश्मा देखा आज तक? क्या हाल है, चश्मा नहीं देखा, नजरबंदी का नहीं मिलेगा। तुम्हारे क्षेत्र में कम से कम 20 गांव सपेरों के, माटू का, नंगला, और इधर वो कौन सा महाराज अल्डू।